गुड इवनिंग जी सबनों सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे वधिया होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सब तो पहला मेरे वालों सबनों कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि कल दशहरा है एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बुराई जिहड़ी है वह हमेशा हारती है और अच्छाई की हमेशा जित हुंदी है, इहदा ही प्रतीक है दशहरा। सो आपां सारे मतलब की है उम्मीद करती हूँ कि अपने सब दी दिवाली एक बहुत ही जॉयफुल रहे और एक खुशियाँ भरी रहे, ठीक है। सो सब तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो। एक जिदा जिदा भी पेपर क्लीयर हुंदा है, जो जो भी सिलेक्ट हुंदे है वो प्लीज़ मतलब जो सिलेक्ट हो गया फिर जिदा पेपर क्लीयर होया तां वो प्लीज़ एक बारी कमेंट विच दस दियो, ठीक है। पेपर तो बाद किसी दे जिन्ने नंबर बने और सबसक्राइब कर लियो, लाइक शेयर तुसी कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने हले तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब टू आर चैनल। टैलीग्राम ग्रुप दे विच तुसी जॉइन हो सकते हो ताकि तुहानू लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहन, ठीक है। सो सब दी दिवाली खुशियां भरी रहे यही उम्मीद करते हैं। उस तो पहला थोड़ा नौकरी मिले, थोड़े नियुक्ति पत्र जारी होन 364 वास्ते भी और 635 भी। सो यही दुआव करते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, फ्रॉम आवर टीम, कि पेपर थोड़ा जो है हम सैटरडे नू है और सिर्फ एक दिन विच मतलब एक दिन रह गया, ठीक है। सो सारे वधिया जिहड़े है अपने अपनी तैयारी रखो, वधिया करो सब कुछ, बस यही दुआ करते हैं, ठीक है। सो ये थंबनेल तुसी देख चुके होगे, काफ़ी दिनों के बाद अज आप डिस्कस कर रहे हैं। सो किसी का कोई डाउट होया तो प्लीज़ कमेंट च तुसी पूछ सकते हो। सो ETT 435 लेटेस्ट अपडेट, जो उन्हां दी केस अपडेट जिहड़ा चल रहा है वो बारे भी मैं तुहानू दसांगी कि BEd वालों का जिन्हां दे रोल नंबर आ गए और जिन्होंने मतलब किया सी भरिया सीगा फॉर्म, तां उन्हां बारे जज साहब ने कहा कि उन्हां नू मतलब इजाज़त नहीं मिली, मतलब मे बी शायद उन्हों का पेपर लिया जाए लेकिन हले तक ये बारे कुछ फिक्स डिसीजन नहीं आया। बाकी 364 वाले प्लीज़ नैगेटिव ना सोचियो, मैनू पता है बहुत दूर जड़ी है उसकी डेट जड़ी पै चुकी है, लेकिन ये बारे जल्द ही फैसला आऊगा, जल्दी ही थोनू ये बारे लेटेस्ट अपडेट सुनने मिलेगी 364 वाले, ठीक है। बाकी 635 वाले भी यही है कि वधिया रहो, तैयारी करो, तो एग्जाम जड़े सेंटर जड़े है वो थोनू मिल ही चुके हैं, रोल नंबर जड़े है वो आ ही चुके ने। सो रोल नंबर प्रिंट कढ़वा लियो, मास्क वॉटर बोटल सब कुछ जो जो कुछ जरूरी है वो तुसी अपने आप देख लेना, ठीक है। सो मैं सब तो ज़्यादा खुश हाँ बिकॉज एक बार पेपर जड़ा अपना एक बैरियर है वो क्रॉस हो गया ना तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी इस पेपर के पहला अमेंडमेंट हो चुकी सी और स्टे भी नहीं लगी, सो ही अपना एक बेनीफिट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये भर्ती पूरी हो सकती। सो भर्ती होगी पूरी तो यस, यदा आंसर है यस हाँ, और 364 भी होगी पूरी, मे बी इदा ही हो जाए कि दोनों इकट्ठिया ही भर्तियाँ पूरी हो जाए, तो सरकार का हजे कुछ नहीं पता, ये फैसले चल रहे हैं, मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है तो ये लगातार मीटिंग्स चल रही। बाकी रही मास्टर ग्रेडर की वैकेंसी तो वो आ रही हैं BEd दियाँ। सो BEd वाले सब तो पहला मैं कहना चाहूँगी तुम तैयार रहो, थोड़ी वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलनगियाँ, ठीक है। BEd हो गए एलिजिबल तो नो, BEd एलिजिबल नहीं है, BEd आउट हो चुकी है ETT तो मतलब ETT विच्चों पहला ही हो चुका सी। सो प्लीज़ हुण कोई नैगेटिव कमेंट्स ना करियो ये क्योंकि ये सच है और सबनों पता लग ही चुकया होएगा। दूजी गल 635 एग्जाम सेंटर जिहड़े है वो आ चुके ने, रोल नंबर सब दे पब्लिश हो चुके ने, ठीक है। 22 पोस्टा का एग्जाम है तो जो 635 तो उन्होंने इको रोल नंबर मैनू लगता कि आया, ठीक है, इको एडमिट कार्ड आया तो इको ही पेपर होएगा, उन्होंने तो पता ही है सबनों इको पेपर होएगा। तो मैरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जेडे 22 कैंडीडेट्स हाई मैरिट लिस्ट वाले होंगे तो मतलब उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग 635 देवे तुसी 22 जोड़ के कट्ठिया ही वैकेंसीज जड़ियाँ हैं ये करनगे, तो 22 जोड़े कैंडीडेट्स होंगे उन्होंने जोड़ा है जेल विभाग के भेजा जाएगा, तो नियुक्ति पत्र ये जल्द ही थोड़ा देखने को मिलेंगे। और जदों ही पेपर होंदा सब तो पहला प्लीज़, वैसे मैं थोनू कल भी शायद दसदा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, 635 का पेपर वधिया दो, सब ने बहुत वधिया तैयारी की और अपनी तैयारी करते रहो, रिवाइज करो, बाकी हुण टेंशन ना लो, स्ट्रेस ना लो। और दूजी गल ये कि 635 का पेपर कंप्लीट होने ते प्लीज़ पेपर जड़ा है वो या तो तुसी सेंड कर दियो सानू व्हाट्सएप ते, ठीक है,
कॉन्टैक्ट करके तुसी PDF जिहड़ी है पेपर की भेज, ठीक है, किसी कोल भी होया तां बाकी मिल ही जाएगा, इदा तो कोई गल नहीं, लेकिन तुसी एक बार भेज दियो और अपने अपने प्लीज़ रिव्यू दियो किदां थोड़ा पेपर होया। तो मैरिट लिस्ट अगर थोड़े नंबर जनरल कैंडीडेट्स है चाहे कोटे वाले कैंडीडेट्स SC BC कुछ भी आ, तां वो अपने जोड़े है 80 मार्क्स तो ज़्यादा दी ही ला के चलो एक्सपैक्टेशन। अपनों नहीं पता मैरिट लिस्ट कितों जाऊगी, इस बार तो शायद घट ही जाए, लेकिन अपना पहला ही नहीं सोचना, अपना यही सोचना कि हायर मार्क्स लैके जाइए और अपना सेफ हो जाइए। अपना अपने सेफ्टी का मतलब है जिन्हिया मर्जी पोस्टा हो अपनों एक सीट अपनी चाहिए बस, ठीक है। सो एक मोटिवेशन वाली मैं लगता वीडियो ज़्यादा रहेगी, तो दिवाली तक मे बी ऑफर लैटर मिल जान थोनू और दिवाली थोड़े लिए पूरा पूरा खुशियाँ भरया त्यौहार रहे कि थोड़ी दिवाली इन्नी वधिया रहे, ठीक है। मे गॉड ब्लैस यू विद हैप्पीनैस। सो यही दुआ करते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। वधिया पेपर करो, टेंशन ना लो, जो होना है वाहेगुरु जी मेरा अपने आप करनगे, देखी जाओगी की होंगे, बाकी तुसी अपना बेस्ट दो, ठीक है। सो बहुत हो गया, ज़्यादा ही हो गया, सो थैंक यू सो मच, ठीक है। कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलो, बाकी थोनू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियो आएगी। सो विच गैप जरूर पै जाता काम की वजह करके, सो देखते रहना, ठीक है। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।